भाई ने। लगता है वो लोग चले गए हैं। अरे एक मिनट शांति रखना भाई। अरे मैडम वो हमारे गोकुलधाम वाले सब यहाँ थे, वो कहाँ गए? वो लोग तो चले गए। देखा मैं ना कहता था। अरे एक मिनट भाई तो शांति रखना है। मैडम चले गए मतलब? चले गए मतलब बस में बैठे और चले गए। अरे ऐसे कैसे चले गए, आपने उनको रोका नहीं? अरे वो क्यों रोकेगी, भिंडी मास्टर क्या उसके मामा का लड़का लगता है जो उसे आग्रह करके रोकेगी? रुक जाइए ना भाई साहब, दो तीन दिन और ठहर के जाइए। मैंने दो दिन नहीं बापू जी, दो मिनट के लिए तो रोक सकते थे ना कि दो मिनट रुक जाइए, ये लोग बस अभी आ ही रहे हैं। सर एक्चुअली मुझे पता नहीं था ना कि आप लोग पीछे रह गए, वरना मैं जरूर रोक लेती। तो अब वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, मैं वीडियो को फोन कर देता हूँ, बस घुमा के वो लोग आ जाएंगे हमको लेने। मुझे नहीं लगता है वो लोग वापस आएंगे। क्यों? आपके लेट आने की वजह से भिड़े भाई आप पे बहुत गुस्सा थे। अरे लेट क्या हुआ है भाई, 5 मिनट लेट हुआ। अभी आज के टाइम में 5 मिनट लेट होना कोई लेट होता है? भिड़े बिना गोकुलधाम के बाहर भी अपने को सेक्रेटरी समझता है, इतना क्या वक्त का गुलाम बन जाने का? और वहां भी कौन सा पोपटलाल की शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था कि हम सबको यहाँ छोड़ के वो उतावड़ करके निकल गया। चुप कर, चुप कर! अरे कब से भिंडी मास्टर की गलती निकाल रहा है? जेठिया तुझे अपनी गलती तो दिखते ही नहीं। अरे कब सुधरेगा तू जेठिया, कब सुधरेगा? कब ये देश से उठने की आदत छोड़ेगा तू? देख देख देख, तेरी इसी आदत की वजह से आज हम यहाँ बेसहारा खड़े हैं। अरे बेसहारा कहाँ बाबूजी, मैं हूँ ना, अभी टैक्सी बुला लेता हूँ। जैसे हम लोग मुंबई से आए टैक्सी में, वैसे ही वापस हम तीनों टैक्सी में बैठ के मुंबई चले जाएंगे। नहीं सेठ जी, टैक्सी में जाने में वो मजा नहीं आएगा जो बस में सबके साथ आता। तो चुप रह, तू चुप रह। लेट क्यों क्या ही हो फिर? क्या ये तेरे लेटने की वजह से ही हमेशा लेट होता है? अरे हर बार का तेरा झेटिया, ये हर बार का। अरे जल्दी उठना कब सीखेगा तू झेटिया? सॉरी सॉरी बापूजी, गलती हो गई, आइंदा मैं कोशिश करूंगा। कोशिश क्या, नहीं नहीं कोशिश नहीं, आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं होगी। पक्का? आप सब लोग यही हो? ऑफ कोर्स, क्या लगता है? लेकिन ये रिसेप्शनिस्ट बहन ने तो बोला कि आप सब लोग चले गए। सॉरी सर, उनको मैंने ही बोला था ऐसा बोलने के लिए ताकि जेठाल को मैं सबक सिखा सकूं। तू कौन होता है मुझे सबक सिखाने वाला भाई? नहीं मतलब बाबूजी, ये भीड़ है क्या, पूरे संसार का सेक्रेटरी है क्या? जेठालाल, डिसिप्लिन नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती? होती है, स्कूल में होती है, तेरे ट्यूशन क्लास में होती है, इधर रिजॉर्ट में क्या है? अरे देवा कठिन है जेठालाल, कभी सुधरना तू? मैं सुधर ले ला ला जाए भाव। चला हिस्ती हुए, चला चला चला। एक मिनट भिंडी मास्टर रुक, जेठिया सबसे माफी मांग। वाह, तेरी वजह से सबको रुकना पड़ा और देरी हो गई। मैं अब सबसे माफी मांगता हूं, मेरी वजह से आपको जो भी तकलीफ हुई है उसके लिए सॉरी। अरे जेठा भाई, जेठा भाई का है? अरे जेठा ब्रा, वो बड़े बड़े रिसॉर्ट में छोटी छोटी गलतियां तो हो ही जाती है। तो और ये भी गलती क्या है भाई, हो जाता है, चलो निकले। चलो पक्का जाना है क्या? एक्चुअली ना हमारा जाने का मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से। नहीं कहा लो बापूजी, आप कह रहे थे मेरी वजह से इनको लेट हुआ, लेकिन इनको तो यहाँ से जाना ही नहीं है। हाँ मन तो नहीं कर रहा है पर जाना तो पड़ेगा ना। अरे टप्पू सेना को तो बुलाओ। लो बोलो बापूजी, अभी तक टप्पू सेना भी नहीं आई है। वो
कम ऑन जेठा भाई, टप्पू से ना तो कब की आई है, सेल्फी लेने गए हैं। बस हाँ चलो चलते चलो। एक मिनट रुकिए, आप लोग ऐसे नहीं जा सकते। क्यों बेटे, तूने रिसोर्ट का बिल सेटल नहीं किया? कर दिया भाई, हमारे पास रिसीप्ट भी है। तो ये जाने क्यों नहीं दे रहे? माला क्या मुझे त्याला विचार। सर हम आप लोगों को सरप्राइज देना चाहते हैं। अरे वाह पोपटलाल, आते वक्त भी सरप्राइज, जाते वक्त भी सरप्राइज। हाँ तो भाई वो भीड़े, मैं कोई सरप्राइज नहीं दे रहा हूँ। ये सरप्राइज मेरी तरफ से नहीं है, इसका बिल मैं सेटल नहीं करने वाला।